जिला चंबा के प्री नर्सरी स्कूलों में छात्रों की संख्या को किस प्रकार बढ़ाया जाए, इस विषय को लेकर चंबा के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान डाइट सरू में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी बीआरसीसी, बीपीईओ और सीएचटी मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में शुरू की गई नर्सरी कक्षाओं के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत इन प्री प्राइमरी स्कूलों में 60,000 की ग्रांट भी दी जा रही है। इसी के तहत चंबा के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में बैठक का आयोजन किया गया। सरू डाइट चंबा के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बीआरसी, बीपीईओ और सीएचटी मौजूद रहे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए डाइट चंबा के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने बताया कि प्री प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने को लेकर और इन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया। डाइट चंबा के अंदर बीईओ, बीआरसी प्राइमरी और नॉमिनेटेड सीएचटीज की एक रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्री प्राइमरी और नर्सरी को लेकर के जो भी एक्टिविटीज़ हमने इंश्योर की थी उसके बारे में बातचीत की गई तथा उसको रिव्यू किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि जहाँ पर हमारे 342 स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं चल रही हैं, उनका जो एक कमरा नर्सरी के लिए तैयार होना था उसको रिव्यू किया गया, जो कि अभी बहुत ही धीमी गति से चला हुआ है। उसको और गति देने के लिए सभी बीआरसी और बीईओ सहवान से अनुरोध किया गया कि इसे जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करें, तथा साथ में ही उन्हें ये सख्त निर्देश भी दिए गए कि जो भी नॉर्म्स इसके लिए हिमाचल सरकार द्वारा तय किए गए हैं उन नॉर्म्स के अनुसार ही उन विद्यालयों का, उन कक्षाओं का निर्माण हो। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।